हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप समझते होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जो फाइंडर यूट्यूब चैनल पे। जैसे आशा को बताया कि हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और आज हमारा पार्ट 12 है, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दो ताकि आज की क्लास आप शुरू करते हैं। और इसके अंदर मैं आपके साथ हर वीडियो की तरह दोबारा बता दूँ कि इसके अंदर मैं आपके साथ SSC की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को क्या कहते हैं। और आप सब बच्चे मेरे आंसर अपने साथ जरूर मैच करना, और आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हैं। ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि सिस्टम लोड करने या चालू होने के बाद निम्न लोडर में से कौन निष्पादित होता है? बूट लोडर, संकलन और गो लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HDD की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर हार्ड डिस्क ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, हाइब्रिड हीलियम डिस्क ड्राइव, या इनमें से कोई नहीं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो को, बिल गेट्स को, चार्ल्स बैबेज को, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बैबेज को, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि ये देखो कि संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का अंशशिप्त रूप क्या है? यानी अब आप मुझे FTP की फुल फॉर्म बताओ। फाइनल ट्रांसफर पोजिशन, फाइल ट्रांसफर पोजिशन, फाइल ट्रांसफर पॉकेट, या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये होती है FTP की फुल फॉर्म। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग होता है? डेसिमल, बाइनरी, ओक्टल, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइन। ये देखो आंसर भी गिवन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डगलस एगलबर्ट ने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किस वर्ष किया था? सबसे पहले इसके अंदर आपने ये याद रखना है, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं बना तो ये बन सकता है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था, वो किया था डगलस एगलबर्ट ने। और उसने किस वर्ष किया था? 1960 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1960 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड में, टेलीफोन में, माउस में, या स्पीकर में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस में, ठीक है। इसका प्रयोग माउस में किया जाता है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्न में से किस विद्वान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को, जॉन को, जॉन मैकार्थी को, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी को, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में समानता कितनी कुंजियाँ होती हैं? 90, 100, 104 या 204। ये कितनी कुंजियाँ होती हैं? ये होती हैं 104, ठीक है। और हाँ, जैसे आप सबको पता है कि आपको इन वीडियो की PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा QWERTY यानी जो आजकल सबसे ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने, चार्ल्स बैबेज ने, जॉन मैथाई ने, या जॉन मैकार्थी ने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्प्रेडशीट फाइलें निम्न में से किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं? .html, .doc, .xls, या .lcx। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, .xls, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर
13th है हमारे आपके सामने और आप सब बच्चे इसको पढ़ो और मुझे आंसर दो कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का निर्माण JP एक्टर और जॉन मुचली द्वारा किस वर्ष किया था। इसका निर्माण इन दोनों के द्वारा किया गया था और ये किस वर्ष किया गया था, 1950, 1946, 1947 या 1951। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्न में से देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, मल्लमपुरम, त्रिवेंद्रमपुरम, अन्नापुरम, ये इनमें से कोई नहीं, ये कौन सा जिला है, ये है ऑप्शन ए मल्लमपुरम, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि BIOS की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरप्ट रेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्न में से किस में मापी जाती है, हर्ट्स, MIPS, MPS या BPS में, ये किस में मापी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी MIPS में, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर, MICS का, बार कोड का या MICR का, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MICR का। और आप सब बच्चे मुझे MICR की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने कि एंड्रॉयड के विकास के लिए कौन सी आधिकारिक भाषा है, कोबोल, फोरट्रेन, जावा या बेसिक, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जावा, ठीक है, एंड्रॉयड के विकास के लिए जावा आधिकारिक भाषा है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि MS Excel को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, स्प्रेड प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन या इनमें से कोई नहीं, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का बस नहीं है, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस या सॉफ्टवेयर बस, आपने ये तीनों बस तो सुने होंगे लेकिन आपने सॉफ्टवेयर बस नहीं सुना होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ कब से हुआ था, 1990 से, 1995 से, 1959 से या 1970 से, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर एग्जैक्ट डेट पूछ जाए तो वो है 15 अगस्त 1995, ठीक है, इस डेट से भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली पहली निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है, यानी पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है जिसने इंटरनेट सेवा प्रारंभ भारत में की थी, BSNL, सत्यम इन्फोवे, इन्फोवे या इनमें से कोई नहीं, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यम इन्फोवे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है जिससे कि आपको अगर आगामी पेपर में क्वेश्चन बने तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली भारत में पहली कंपनी कौन सी थी, अगर निजी क्षेत्र की पूछे जाए तो आपने सत्यम इन्फोवे पे टिक करना है, और अब आप ये पूछे जाए तो आप मुझे बताओ कि इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली पहली कंपनी भारत में कौन सी थी, BSNL, सत्यम इन्फो या इनमें से कोई नहीं, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BSNL, ठीक है। मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में ले लिए जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यूजर कनेक्टिविटी, यूजर इंटरफेस, यूजर वर्क या यूजर कॉम, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि यूजर इंटरफेस कितने प्रकार का होता है, 4, 3, 2 या 6, कितने प्रकार का होता है, ये होता है ऑप्शन सी, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है, Alt+F2, Shift+F2, F2 या इनमें से कोई नहीं, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F2, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा गूगल द्वारा प्रस्तुत ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, BlackBerry, iOS, Android ये इनमें से कोई नहीं, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Android, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है, अनडिलीट, रिसाइकल बिन,
रीस्टोर ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसाइकिल बिन। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एम का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एमएस पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, या कंट्रोल प्लस डी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एन। फाइन। जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं वो मैं दोनों साथ साथ ले आता हूँ, जिससे कि अगर आगामी पेपर में क्वेश्चन बने तो आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।